హలో ఎవ్రీవన్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ 5 బిలియన్ డ్రీమ్స్. JRCM పికప్ సెంటర్ ధారకों के लिए बने इस विशेष कोर्स में आपका स्वागत है. पिकअप सेंटर संचालन में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो सेल में निरंतर वृद्धि हो सकती है. सेल बढ़ोतरी के 4 मुख्य आधार हैं. पहला, प्रोडक्ट की उपलब्धता. दूसरा, सक्रिय डायरेक्ट सेलर्स की संख्या. तीसरा, पिकअप सेंटर की साज सज्जा व रख रखाव. और चौथा, व्यवहार कुशलता. इन चारों विषयों पर एक पिकअप सेंटर धारक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह एक अच्छे भविष्य के विजन के साथ करे तो थोड़े समय में परिणामों में अभूतपूर्व सुधार किया जा सकता है. प्रोडक्ट उपलब्धता को अच्छा बनाए रखने के लिए समय पर प्लानिंग करनी होगी. डिपो से प्रोडक्ट मंगवाने का अंतराल कम से कम हो ताकि आपके पास हर समय सारे प्रोडक्ट की उपलब्धता बनी रहे. RCM में आने वाले सभी प्रोडक्ट रेंज जैसे FMCG, कपड़ा, जूते, बैग, प्लास्टिक वेयर, किचन वेयर आदि सभी रेंज रखें. खरीदार हमेशा वहां जाना पसंद करता है जहां ज्यादा प्रोडक्ट रेंज उपलब्ध रहती है. प्रोडक्ट उपलब्धता का मतलब यह नहीं है कि जरूरत से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लंबे समय तक पड़े रहें. उपलब्धता का मतलब है सही प्लानिंग द्वारा उचित मात्रा से सारे प्रोडक्ट हमेशा उपलब्ध रहें. दूसरा महत्वपूर्ण आधार है सक्रिय RCM डायरेक्ट सेलर्स की संख्या. यानी जितनी ज्यादा संख्या सक्रिय डायरेक्ट सेलर्स की उस क्षेत्र में होगी उतनी ही बिक्री ज्यादा होगी. केवल संख्या से भी मतलब नहीं है, वे सक्रिय भी होने चाहिए. यदि पिकअप सेंटर धारक सबको प्रेरित करता रहे, फॉलो अप करता रहे, सबको प्रोडक्ट की विशेषताएं अच्छी तरह से समझाता रहे व आवश्यक जानकारियां व सेवाएं देता रहे तो निश्चित रूप से सक्रिय डायरेक्ट सेलर की संख्या बढ़ेगी. संतुष्ट सक्रिय डायरेक्ट सेलर कई नए डायरेक्ट सेलर्स को सक्रिय कर पिकअप सेंटर की बिक्री को बढ़ोतरी करेंगे. तीसरा आधार होता है पिकअप सेंटर की साज सज्जा व रख रखाव, जिसमें कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है. सभी पिकअप सेंटर धारक निम्न बातों का ध्यान रखें. साइन बोर्ड पिकअप सेंटर पर कंपनी निर्धारित डिजाइन इस तरह से लगाएं कि वह आकर्षक लगे. पिकअप सेंटर धारक व स्टाफ को पिकअप सेंटर पर RCM के अलावा दूसरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए. पिकअप सेंटर की बाहरी सफाई जैसे दीवारें, शटर, फर्श, बैगेज काउंटर, डोरमैट और अंदर की सफाई नियमित रूप से करना महत्वपूर्ण है. रोज सुबह खुलते ही पूरे सेंटर की सफाई करनी चाहिए. पिकअप सेंटर की सजावट व रख रखाव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है. इस दिशा में लगातार प्रयास अत्यंत आवश्यक है. प्रतिदिन अपनी सजावट व रख रखाव की समीक्षा इस उद्देश्य से करें कि जो भी वहां एक बार आए वह बार बार आए. पिकअप सेंटर की खाली दीवारों पर RCM प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के बोर्ड्स लगाने चाहिए. जिस तरह जिस श्रेणी के उत्पाद हों उसी का ही बोर्ड लगाना चाहिए ताकि पूरा पिकअप सेंटर आकर्षक लगे. उत्पाद को रैक में इस प्रकार रखें कि वह भरा हुआ लगे. वह खाली दीवारों पर ब्रांडिंग द्वारा भराव दे सकते हैं. एक श्रेणी के उत्पादों को एक साथ रखें. खाद्य व अखाद्य पदार्थों को एक दूसरे से अलग रखें. जैसे नमकीन, बिस्किट, सोहन पपड़ी को साबुन अगरबत्तियों से दूर रखें. हर प्रोडक्ट को सीधा व व्यवस्थित तरीके से रखें ताकि प्रोडक्ट का नाम सीधा पढ़ने में आए. डैमेज पैकिंग वाले उत्पाद को अलग स्थान पर रखें. नियमित रूप से प्रोडक्ट को ठीक करते रहना जरूरी है. नए उत्पादों को ऐसे स्थान पर रखें कि सबसे पहले नजर उन पर जाए व सबको नए उत्पादों की जानकारी मिल सके. प्रोडक्ट्स को रैक में रखते समय ध्यान रखें कि सबसे भारी वजन वाले सामान सबसे नीचे व सबसे हल्के वजन के सामान सबसे ऊपर वाली रैक में रखें. उत्पादों को रैक में लगाते समय ध्यान रखें कि पहले की पैकिंग वाले उत्पादों को ऊपर रखें व नई तारीख के उत्पादों को नीचे रखें ताकि कोई भी उत्पाद पहले आया हुआ पहले बिके. पिकअप सेंटर में कहीं न कहीं रेडीमेड गारमेंट्स का अच्छे तरीके से डिस्प्ले जरूर होना चाहिए, लेकिन वह इस तरीके से होना चाहिए जो हर किसी को आकर्षित करे व अपनी पसंद के कपड़ों को चुनने में सहायता करे. व्यवहार कुशलता, हर आगंतुक का स्वागत प्रसन्न मुद्रा से JRCM शब्दों के साथ करें व उनसे विनम्रता पूर्वक पूछें कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, या फिर
इसी तरह के उपयुक्त वाक्य का उपयोग आप कर सकते हैं, पर हर आगंतुक को लगना चाहिए कि आप उनमें रुचि ले रहे हैं। बिना किसी टीम को प्राथमिकता दिए सबको समान सेवाएं देनी चाहिए, सबको अपनी तरह से प्रेरित करना चाहिए। कभी भी अनुचित उत्तर ना दें, जैसे मुझे पता नहीं है। अपनी अपलाइन से बात करें, यह है जो पड़ा है वो आप देख लें, हम क्या कर सकते हैं, या फिर हमारा काम नहीं है। आगंतुक तो कोई उत्पाद मांग रहा है और वह आपके पास नहीं है, तब भी कुछ इस तरह बात करनी चाहिए। यदि उस उत्पाद का कोई विकल्प आपके पास उपलब्ध है तो उसके बारे में बताएं। आप उनको यह भी कह सकते हैं कि जैसे ही प्रोडक्ट आएगा आपको सूचित कर दूंगा। उत्पाद के लिए उचित कारण बताते हुए, कुछ नए उत्पाद आए हैं या पुराने उत्पाद में नई वैरायटी आई है उनके बारे में बता सकते हैं। RCM पिकअप सेंटर पर इतने उत्पाद होते हैं, आप प्रयास करें तो आगंतुक तो कुछ न कुछ खरीद ही सकता है, अन्यथा RCM के उत्पादों से परिचित तो होगा ही। हर आगंतुक द्वारा स्वयं उत्पाद चुन लेने के पश्चात अपनी ओर से कुछ उत्पाद उन्हें और दिखाएं, क्योंकि आपके बताने से वे और भी उत्पाद खरीद सकते हैं। यह तरीका बिक्री बढ़ाने में बहुत सहायक साबित होगा। पिकअप सेंटर धारक को कैश काउंटर के अतिरिक्त सेंटर का संपूर्ण मैनेजमेंट देखना चाहिए और विशेष तौर से इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर आगंतुक संतुष्ट होकर जा रहा है या नहीं। स्वयं भी आगंतुकों से बातचीत करते रहना व उनको प्रेरित करते रहना आवश्यक है। नए एवं पुराने सभी डायरेक्ट सेलर्स व पिन अचीवर्स से भी बहुत सकारात्मक तरीके से बातचीत करें, क्योंकि वे ऊर्जावान रहेंगे तो औरों को भी ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करेंगे। उनकी शक्ति ही आपके पिकअप सेंटर की बिक्री बढ़ाने में मदद करती है। डायरेक्ट सेलर्स के जो भी कार्य हों, उनको डायरी में नोट कर किसी वरिष्ठ साथी के माध्यम से या स्वयं कंपनी से संपर्क करें, उन कार्यों का निस्तारण करें। इससे आपस में संबंध मजबूत होते हैं तो पिकअप सेंटर व बिजनेस के विकास में मददगार साबित होते हैं। पिकअप सेंटर खुला रखने का समय स्थानीय आवश्यक अनुसार पर्याप्त रखें। सुबह सफाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके व शाम डायरेक्ट सेलर्स की सहूलियत को ध्यान में रखकर समय निश्चित करना चाहिए। जहां रविवार का प्रतिबंध ना हो, वहां पर रविवार को भी पिकअप सेंटर खुला रहना चाहिए। पिकअप सेंटर पर कार्यरत सभी साथियों को नियमित ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। उनको उत्पादों की जानकारी व विक्रय कला के बारे में ट्रेनिंग देते रहें व हर महीने नए लक्ष्य पर काम करने के लिए प्रेरित करें। इन सभी बातों का नियमित अनुसरण आपकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय RCM।